सबसे पहले मैं लालटेन का मुहूर्त है आज, और कलकत्ता पे मेरे प्रोड्यूसर डॉक्टर राजेश कुमार जी, कुमार राहुल जी, सुपर म्यूज़िक और सीएस फिल्म्स, डायरेक्टर धीरू यादव जी, स्टोरी राइटर कुमार राहुल जी और अखलाक खान जी, म्यूजिक डायरेक्टर धनंजय मिश्रा जी, और जितने भी लोग इसमें हैं, ये आदित्य सम्राट, ये छोटा बच्चा है भी इस फिल्म में है, और शिशुपाल बिहारी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस मुहूर्त में आए और इसको सुशोभित किया। और इसके साथ साथ मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ऑडियंस को और भोजपुरी के जो दर्शक हैं, जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, और जो आज भोजपुरी को आशीर्वाद देकर के, अपना प्यार देकर के, आज भोजपुरी को उस लेवल पर लेकर के चले गए हैं कि जहाँ पे क्रिएटिव फिल्म भी करने की हिम्मत हो रही है हम लोगों को, और उसी क्रिएटिव फिल्म के जो कोशिश की जा रही है, और उसी में से एक लालटेन है। किसका किरदार होगा और काफ़ी एक्शन लग रहा है इस फिल्म में, तो किरदार मैं इसमें लीड कर रहा हूँ, और जाहिर सी बात है कि चूँकि लालटेन है तो एक रियलिस्टिक मूवी है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और इसमें लव का भी बहुत सारा कुछ दिखाया गया है। और हाँ, जैसे जो आपका जो कहना है कि काफ़ी धूम धड़ाका है, तो वो भी है, और फुल एंटरटेनिंग, और एक है काल्पनिक बट रियलिस्टिक लाइफ पे आधारित। आप बताओ क्या करेंगे इसमें, के बारे में क्या किरदार निभा रहे, कुछ मालूम है आपको किरदार के बारे में? नहीं, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, बताओ क्या। हमारे बड़े भैया, आज बहुत खुशी की बात है कि लालटेन फिल्म में हमको बड़े भैया के द्वारा चांस मिला इस मूवी में करने के लिए, और इसमें तो शायद देखिए सेकेंड का प्रयास है, उनका रोल हमको मिले। आप सब देखिए और मेरे को ये कंफर्म नहीं कि मेरा इसमें क्या कैरेक्टर है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। सर आप बताइए कुछ, आप बताइए। जी, लालटेन बहुत एक अच्छी मूवी है, और ये क्या बोलता है, रियलिस्टिक और देखिए लव इंटरप्राइज। ठीक सर, हो गया तुम्हारा। मैं क्यों जान से मारूंगा, वो मेरा भाई है, और वो तो बोलता है कि जैसे मैं संतोष को जानता नहीं हूँ, ऑल द बेस्ट मेरे भाई, तुम इतने तुम आगे चले जाओ कि तुम किसी को मत पहचानो, तुम जाकर के अंतरिक्ष में तुम निवास करो। तो सबसे पहले मैं उसको विश करना चाहूँगा कि आपने ये सोचा और आपने ये कहा, मामला जो है मामला कुछ नहीं था, एक मोहब्बत थी, एक प्यार थी। अगर मैं हमारे फादर अगर हमको डांटते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमें मारना चाहते हैं और वो हमसे नफरत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रमोद से मैं मोहब्बत करता हूँ और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, उसी में एक डांट हुई थी, इसको कोई ऐसा नहीं, कुछ लेने की बात नहीं थी। और अगर वो लिया, वो कहता है कि मैं संतोष रेणु को नहीं जानता हूँ, तो अच्छी बात है, तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओ, और मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ। छोटा रहने में जो प्यार मिलता है ना, वो बड़ा बन करके नहीं मिलता। रोहित प्रेमी का ये भी आरोप है, आप केसरी लाल का बहुत बड़ा भक्त है, इसका कारण उसको आपने इस तरह का मतलब केसरी लाल को लेकर मतलब उसका आवाज में आपने उसको जान से मारने की इस तरह का आरोप। आपका कहना सही है, मैं खेसारी लाल जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जहाँ तक इस मैटर पे जो है, ये रियल चीज़ है कि मैं खेसारी लाल यादव जी का भक्त हूँ, और मैं सिर्फ उन्हीं का भक्त नहीं हूँ, मैं उन सभी लोगों का भक्त हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आज संतोष रेणु यादव भी एक फिल्म कर रहा है, एक हीरो के रूप में एक लॉन्च हो रहा है। तो ये जो भोजपुरी जो ट्रेडिशन है, ये संतोष रेणु यादव इसका ईजाद नहीं किया, ये गायत्री ठाकुर जी, भिखारी ठाकुर जी की देन है, और उसके बाद तब जा करके भरत शर्मा जी संभाले, देन आफ्टर मनोज तिवारी जी संभाले, पवन सिंह जी, खेसारी लाल जी, निरहुआ जी, रवि किशन जी, तब तो संतोष रेणु जी को मिला है। तो मैं कहता हूँ कि यदि हम अपने सीनियर्स के ऊपर अगर किसी तरह की कोई बात होती है और उस पर यदि हम नहीं जागते हैं, तो देन आफ्टर हमारे भी जूनियर क्या करेंगे, हमारे ऊपर भी कुछ अत्याचार होगा तो फिर वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। सही बात, यही बात है, और कुछ नहीं बात है। और बाकी सुधीर सिंह, सुधीर सिंह के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो गजब का करेक्टर है, उसको मैं कहता हूँ ना, उसको रहना नहीं चाहिए, बिहार से उसको बाहर कर देना चाहिए, सुधीर सिंह को बिहार से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि
जो इंसान एक कलाकार की फीलिंग्स को नहीं समझे वो इंसान है ही नहीं, क्योंकि एक कलाकार वो होता है जो हर दिन आपकी जीवन की खुशियों के बारे में सोचता है, या आपका बर्थडे पार्टी हो, आपका किसी भी तरह शादी की चीज़ हो, तो कहीं ना कहीं सोचता है कि हाँ खुशियाँ होंगी आपके यहाँ, तब हम आपके यहाँ नाचे गाएंगे। और अगर कलाकार की दर्द को ना समझे तो फिर कोई है ही नहीं, क्योंकि कलाकार से पूरी इंडस्ट्री है, कलाकार से पूरी धरती पड़ी हुई है, और कलाकार विहीन हो जाने पर धरती जो है ना वो वीरान पड़ जाएगी। इस फिल्म के बारे में किस तरह का विषय है, और काफी धमाकेदार लग रही है पोस्टर देख के, और विषय जो है कुछ लग रहा है कि काफी जज्बातियों का लालटेन है, या क्या विषय बताइए इस बारे में? देखिए अभी लालटेन जो कि टाइटल से ही आपको लग रहा होगा कि काफी देसी सब्जेक्ट है, और लालटेन एक ऐसा वर्ड है, हमको लग रहा है भोजपुरी ऑडियंस जितने भी है सबके लिए कॉमन वर्ड है, कोई नया वर्ड नहीं है। तो अभी समझिए हर घर की कहानी होगी लालटेन, और आपकी जो और आपके भी बचपन से जुड़ा होगा कहीं ना कहीं लालटेन की कहानी, जुड़ा होगा कि नहीं? बिल्कुल, बस वही आपके जो लीड एक्टर हैं उसके लिए बताइए कि क्या करना चाहिए, कितने हैं उत्साहित उनको लेके इस फिल्म में कास्ट? बहुत बहुत संतोष भाई, संतोष रेणु यादव बहुत अच्छे सिंगर भी है और बहुत अच्छे ये लेखक भी है, इन्होंने कहानी लिखा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा फिल्म करके, वो मैंने सिर्फ किया है, मतलब तो बहुत अच्छा लगा। पहले टाइटल भी नहीं कहा, इन्होंने मुझे सबसे पहले टाइटल बोला, मैं बोला फिल्म करूँगा। तो शूटिंग कब से शुरू होगी और कब तक पर्दे पाने की उम्मीद है? देखिए शूटिंग हम जनवरी में सेकेंड वीक में जाएंगे, पर्दे पे आने का अभी नहीं बोल सकते, अभी शूटिंग तो करने दीजिए, उसके बाद तो मुलाकात होती रहेगी, अभी तो पहली मुलाकात है, इस सिलसिले में मिलते रहेंगे। थैंक यू। लालटेन के लिए हमारी ऑल द बेस्ट गुड विशेस है, और डायरेक्टर भाई धीरू यादव ही इज वेरी टैलेंटेड और डेसिंग। आपकी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वही इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजीव मिश्रा जी, जी जरा बता दें हैं इन्होंने पहले फिल्म बनाई थी, अब आप इनके साथ फिल्म बना रहे हैं, कैसे बतौर डायरेक्टर कैसे हैं? बद्रीनाथ में मैं था, लालटेन में छोटा भाई है और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और मैंने तो बहुत सीखा है उनसे, उनके साथ काम किया है। धीरू भाई इज़ वेरी टैलेंटेड और इस फिल्म इंडस्ट्री में गिने चुने डायरेक्टरों में है। आपकी भी फिल्में आ रही हैं, जी जी जी, बद्रीनाथ का स्टेटस जानना चाहता हूँ, क्या बद्रीनाथ रिलीज से कुछ डिले हुई है? नहीं, डिले रिलीज से डिले नहीं हुई है, ये प्रोड्यूसर का डिसीजन है। और डिले क्या होता है, फिल्म बन के तैयार है और इन्होंने समय सोचा हुआ है जब रिलीज करना है, इनको टीजर आ चुका है, ट्रेलर हम लोग 7 दिसंबर को ला रहे हैं और उसके बाद गाने आएंगे फिल्म के, और जनवरी में हम लोग बसंत पंचमी के बाद रिलीज करेंगे। और भी आपकी एक फिल्म आने वाली है, दो फिल्में आने वाली, जी 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 जी, जरा उसके बारे में। एक फिल्म और है जो बन के तैयार है और वो फिल्म हम लोग फरवरी में रिलीज करेंगे, क्योंकि जनवरी में हमने ऑलरेडी बद्रीनाथ को रखा है, तो फरवरी में रैम्बो राजा आएगी और आगे की जो फिल्में हैं मैं बताऊंगा उसके बारे में, ये दोनों बन के कम्प्लीट है, बाकी अंडर प्रोडक्शन है अभी। वैसे इन फिल्मों में क्या नाम जाएगा, संजीव मिश्रा जाएगा, पॉल स्टार जाएगा? ये स्क्रीन नेम रखा है और ये भी मेरे डायरेक्टर ने दिया था मुझे 3 साल पहले, तो उस नाम को मैं हमेशा कैरी करता हूँ, हर पोस्टर पर कैरी करता हूँ, अपने साथ कैरी करता हूँ। बाकी वैसे आपकी बॉडी पे, आपके फिटनेस पे आपका साफ दिखाई दे रहा है इस नाम का, जब से मैं मिला था पिछली बार से, और आप काफ़ी ज़्यादा आपकी फिटनेस में इम्प्रूवमेंट है, क्या करते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को। ऐसा क्या सब्जेक्ट है जिसके लिए इतनी फिटनेस की जरूरत पड़ती है? प्रोड्यूसर साहब बगल में है, अभी नोचने लग जाएंगे अभी नहीं बताएंगे, दिसंबर में 15 से 20 दिसंबर के बीच में हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, टीम कन्फर्म्ड हो चुकी है। पावर तो वक्त आने पे बताया जाएगा। काका आप रात में कहीं और थे, आज सुबह कहीं और? ये आप लोग को देखता हूँ तो एनर्जी भर जाता है, क्योंकि आप लोग कल रात को 5 बजे तक, तो शायद 4 बजे तक हम लोग के साथ में थे, और हम लोग गाने की शूटिंग किए थे लम्बरेज फिल्म का, जिसमें सुबह 7 बजे तक गाने की शूटिंग हुआ, वहाँ से फिर शूटिंग पैकअप करके घर पर आए तो सर घंटा सोए, फिर छोटा भाई संतोष रेणु यादव का मैसेज आया था, फ़ोन आया था कि भैया आज मुहूर्त है, तो मैं बोला कि चलो भाई को आशीर्वाद देने मैं पहुँचूँ, क्योंकि अगर कोई भी नया सिंगर और कलाकार अगर मुंबई की धरती पर आता है तो शायद मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, ना मेरी कोई औकात है, लेकिन आशीर्वाद देने ज़रूर पहुँचता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे से हो सके आशीर्वाद दिल से दूँ। और ये लालटेन, लालटेन बोले तो संतोष रेणु यादव बिहार के तौर पर अगर देखा जाए तो हम इनके राज्य, तो बहुत बहुत बधाई लालटेन के पूरे टीम के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर और तमाम आप मीडिया के भी सब लोग के बधाई बा और अभिनंदन बा। आपको जब उन्होंने कहा होगा कि भैया लालटेन फिल्म है आना होगा, तो आपने नहीं पूछा कि आपने आरजेडी ज्वाइन कर लिया? मैं जानता हूं कि ये आरजेडी के प्रशंसक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं व्यक्तिगत मैं भी आरजेडी के प्रशंसक हूँ, अगर भोजपुरिया काका को बिहार में अगर किसी भी जगह पर और किसी भी टाइम अगर ज़रूरतमंद
चीज़ पे अगर मैंने किसी नेताओं को याद किया है तो मुझे राजद के लोगों ने ही मुझे मदद किया है, मुझे बाकी लोगों ने मदद नहीं किया है। और तेजप्रताप यादव व्यक्तिगत मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और छोटू छलिया भाई जो कि भोजपुरी के बहुत चहेता स्टार कलाकार, जिसको मैं अपने सगे भाई से ज़्यादा खून से बढ़कर मानता हूँ, उसके बाद ही इस धरती के कोई भी गायक को मैं प्यार करता हूँ। वैसे प्यार तो मैं सबको करता हूँ, सबको एक बराबर एक नज़रिए से मेरे नज़र में स्टार है, भले वो नया गायक हो या पुराना गायक हो, मैं सबको प्यार देता हूँ और एक ही नज़र में देखता हूँ। लेकिन अगर उसमें से बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, जहाँ कुछ नहीं वहाँ बहुत कुछ, मगर है तो छोटू छलिया। तो उन्हीं की बदौलत मैं राजद परिवार में घुसा और राजद परिवार ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है। काका वैसे तो हम आपके आसपास बहुत सारे सिंगर्स हैं, हम चाहते हैं कुछ गा के सुनाया जाए। मैं गायक तो हूँ नहीं, लेकिन मैं क्या गाऊँगा। लेकिन हाँ यह है कि गायकों के बीच मेरा क्या गुनगुनाने का आदत है, लेकिन गायक नहीं है और गायक बनना भी नहीं है मुझे। भोजपुरी काका नाम अगर मुझे मिला तो ये गायकों का ही देन है, और गायक लोगों ने इतना प्यार दिया है कि आज कलाकारों का काका कहलाता हूँ। जबकि आज एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आज फेसबुक पर मैंने देखा कि दिल्ली में 1-2 तारीख को प्रोग्राम है, उसमें मेरा बुलावा है, उसमें मैक्सिमम गायक लोग जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरे अगेंस्ट में फेसबुक पर डाला है कि आप भोजपुरिया काका हैं, समाज को सेवा करते हैं, लेकिन अश्लील मुक्त सॉरी अश्लीलता के खिलाफ आप क्यों नहीं जाते हैं, और अश्लील जो गायक गाना गा रहे हैं उनके आप उन लोगों को बढ़ावा देते हैं। तमाम लोगों का नाम उसमें लिखा था। तो मेरा उन लोग से यही कहना था कि मैं कभी किसी को नहीं बोला हूँ कि अश्लील आप गाइए, हमेशा मैं अश्लील का विरोध किया हूँ और आज भी करता हूँ। लेकिन लोगों ने लांछन लगाया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। मैं हमेशा कलाकारों को चिल्लाया हूँ, डांटा हूँ कि भाई गलत मत गाओ, भले उनके साथ रहता हूँ लेकिन मैं विरोध करता हूँ। जिसको पता होगा जिस गायकों के करीब मैं रहा हूँ उनको मैं हमेशा विरोध किया हूँ। तो आज बड़ा दुख भी हुआ। बेसिकली आप नाम लेके क्यों नहीं कह रहे हैं? बेसिकली ये जो फेसबुक पोस्ट है आपकी, बेसिकली पवन सिंह को लेकर कही गई है। पवन सिंह के बारे में लिखा गया है कि अश्लीलता का ध्वज लेकर घूमने वाले पवन सिंह के साथ आप स्टेज शो में क्यों जा रहे हैं भोजपुरिया काका? मैं पवन सिंह का ही नहीं, मैं भोजपुरी के वैसे हर गायकों के साथ मंच पे जाता हूँ जहाँ मुझे बुलाया जाता है, और मेरा काम है जाना इसके लिए कि पब्लिक मुझे बुलाती नहीं है, मुझे वो आयोजक बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ प्यार करने के लिए। रही बात गंदे गाने की, तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि पवन जी भी और खेसारी जी हो या कोई भी हो, सब लोगों ने गाया है वक्त के साथ और पब्लिक ने प्यार दिया है। पब्लिक की गलती है कि क्यों इतना व्यूअर, आज अच्छे गाने जैसे मैंने अपने चैनल से अच्छे गाना रिलीज करता हूँ काका एंटरटेनमेंट से, तो 1000-2000 व्यूअर नहीं मिलते हैं, और एक गंदे गाना होता है उसको लाखों मिलियन में व्यूअर जाता है। तो ये गलती भोजपुरी काका की थोड़ी है, पवन सिंह की थोड़ी है, खेसारी लाल की थोड़ी है, दिनेश जी की थोड़ी है, ये गलती दर्शक की है जो श्रोता उन्हें छुप छुप के भी प्यार देते हैं। और फेसबुक पर फ्री का सोशल मीडिया मिला है, जिसके दिल में आया कुछ भी लिख देता है, जो किसी को व्यक्तिगत नहीं जानता वही किसी को गलिया देता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पवन सिंह को पवन सिंह बनना था बन गया, खेसारी जी को खेसारी बनना था बन गया, दिनेश जी को दिनेश जी बनना था बन गया, भोजपुरिया काका कलाकारों के प्यार से भोजपुरिया काका बन गया। ये गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है, घमंड की बात तो नहीं है। रही बात पवन जी की, खेसारी की या किसी की भी, तो मैं अश्लील मुक्त विरोध हमेशा किया हूँ। खेसारी जी हो या पवन जी हो, उनके विरोध में आज भी मैं खड़ा हूँ, अगर गलत गाएंगे तो मैं आज भी खड़ा हूँ और समर्थन में नहीं हूँ मैं कभी भी नहीं। हाँ मेरे मित्र जरूर है, मेरे अजीज हैं सब लोग, लेकिन अगर गंदा गाना गाएंगे तो उनके साथ खड़ा नहीं रहूंगा मैं। नहीं कभी आपको रोकने की कोशिश की? हमेशा रोका हूँ। जरा एक वाक्य मुझे बताइए कि जब आपने कहा हो किसी स्टार ने गंदा गाना गाने की कोशिश की हो, अश्लील गाना गाने की कोशिश की हो, और आपने रोक दिया हो कि भैया ऐसा गाना मत गाना। शायद आप मीडिया के माध्यम से मुझे जितने मंचों पर आप लोगों ने देखा होगा, शायद मुझे लगता है कि 99 से लेकर आज तक दैट टू टिल मैंने 1200 से ज्यादा स्टेज शो मेरे थ्रू हुए हैं। इस मुंबई की धरती पर पहले सिर्फ बिरहा होता था, रंगारंग कार्यक्रम नहीं होता था। रंगारंग शुरुआत करवाने वाला मैं हूँ, भोजपुरिया काका हूँ, ये चीज़ घमंड से नहीं गर्व से बोलता हूँ। लेकिन जितने लोगों को मैंने गवाया है, आप पिछले हाँ पुराने लोगों में से जैसे भरत शर्मा व्यास जी, गोपाल राय जी, मदन राय जी, इन लोग हमारे थ्रू, और इन लोगों को मैंने बचपन से देखते हुए मैं बड़ा हुआ था, तो ये लोग तो बहुत पहले से स्टार थे। लेकिन जो मेरे थ्रू जितने कलाकार मुंबई में आए, उन लोगों को मैंने यही कहा कि भाई अश्लील गाना मत गाइए, और मैंने मंच पे भी बोला है कितने का नाम लूँ। जितने लोगों को आपने मंच पे देखा होगा मेरे साथ, मैंने सबको मना किया होगा। आप व्यक्तिगत उनसे इंटरव्यू लीजिएगा तो पूछिएगा कि भोजपुरिया काका ने बोला है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे यही मुझे भी जवाब यही मिला है कि भैया हम क्या करेंगे, पब्लिक का दर्शक। सपोज जैसे अभी कल्लू की एक गाना आया था इससे साल भर पहले, अरविंद अकेला कल्लू का, जिसको बचपन से जो गायकी उसको मिला है, जिस गायक के लिए वो जाना जाता है, उस बच्चे को प्यार मिला है। कल्लू ने एक माँ के ऊपर इतना बढ़िया गाना गाया था, इतना अच्छा गाना गाया था, उस गाने को आज भी मैं सुनता हूँ। वो गाना जब कल्लू का रिलीज़ हुआ था तो दो दिन में आप मानोगे नहीं, 10,000 भी देखने वाले नहीं थे। और उसी कल्लू का डबल मीनिंग का गाना 2 दिन के बाद रिलीज़ हुआ, वो मिलियन में गया था सब्सक्राइबर और व्यूअर उसका। तो उसके जवाबदार भोजपुरिया काका तो नहीं है ना, उसके जवाबदार हमारे दर्शक हैं, हम हैं, आप हैं, सब हैं।
आपके पास ही संतोष रेणु यादव खड़े हैं, कभी आपने इनको भी समझाने की कोशिश की कि अश्लील गाने मत गाइए? बिल्कुल, संतोष रेणु यादव सामने है, पूछिए इनसे, मैं हमेशा अश्लील के खिलाफ रहा हूँ और संतोष रेणु यादव हमेशा मेरा सपोर्ट किया है और मेरी इज्जत करता है, जानता है कि भैया मुँह पे बोलते हैं और सच बोलते हैं। मैं कभी किसी का चमचागिरी नहीं किया, मैं कभी किसी का मैनेजर गिरी नहीं किया, मैं कभी किसी से डर के नहीं रहा। मैं जो भी हूँ यहाँ तक हूँ, अपने बल पर हूँ और मैंने लोगों को किया है, लिया नहीं है, मैंने कभी दिया होगा किसी को लिया नहीं होगा आज तक। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि कोई शायद नहीं बोलेगा कि मैंने उनसे फ़ोन करके काम मांगा होगा कि आप मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए एक्टर मुझे काम दीजिए, जबकि मेरे बहुत अच्छे मित्र पवन भाई, खेसारी भाई, कलू बाब, जितने भी स्टार कलाकार हैं, सब लोग से मेरी बहुत अच्छी करीबी है और सबसे मेरा जुड़ाव है। लेकिन मैं कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं बोलेगा कि मैंने उन्हें फ़ोन करके काम मांगना होगा, आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। मैंने दिया होगा, दिलाया होगा, मेरे मार्फत लोगों का भला हुआ होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं मांगा। संतोष को पूछ लेता है, संतोष आपको नहीं लगता कि पहले अश्लीलता अश्लील गाने गाना, उसके बाद एक दिन आप ये कहो कि अब मेरा कायाकल्प हो गया है, अब मैंने अश्लील गाने गाने बंद कर दिए हैं, तो सारे पाप धुल जाएंगे गंगा नहाने से? मैं जहाँ तक अपने ऑडियंस से, इस चैनल के माध्यम से जितने भी आप लोग हैं मीडिया बंधु, मैं उनके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अश्लीलता और साहित्यिक अगर सिर्फ मिठास परोसेंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, उसके लिए जिंदा रहने के लिए नमकीन भी जरूरी है, तीखापन भी जरूरी है। तो जहाँ तक आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में आप अश्लीलता की जहाँ तक बात करते हैं, तो हाँ मैं भैया से मैं सहमत रहता हूँ हर वक्त, और कभी भी जिस तरह की बातें होती रहती है उनसे भैया से मैं बात करता रहता हूँ, भैया का भी आता है सजेशन कि नहीं भाई ऐसे करो ऐसे करो, और मैं इनका बहुत बड़ा फैन ही नहीं और अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि ये मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। तो अश्लीलता की जहाँ तक बात है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि भोजपुरी अश्लील है, भोजपुरी अश्लील होती तो हमारी ऑडियंस इतने पागल नहीं है जो हम लोग इतना ऊंचाई पर लेके चले आए। अभी आपके पास काका खड़े, इन्होंने कहा कि सारे अश्लील गाते थे, इनसे आप मतलब नहीं बोले? नहीं, मैं अभी भी दोहराना चाहता हूँ कि एक दौर था कि लोग डबल मीनिंग के गाने सबने गाया है, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट किया है, मैं बोल रहा हूँ, मैं खेसारी लाल के ऊपर ही क्यों जा रहा है, मैं भोजपुरी के तमाम गायकों की बात कर रहा हूँ, तमाम में से भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी, मदन राय जी, महेंद्र मिश्री, भिखारी ठाकुर, गायत्री ठाकुर, इन लोगों को छोड़ के जिन लोगों ने भोजपुरी को बहुत ऊंचाई पे लेके गया था, उसके बाद जो नई पीढ़ी आई, नई पीढ़ी में नए पब्लिक, नए दर्शक लोगों का प्यार मिला, तब वो आ जाके स्टार बन है। वो गलत गाए, सही गाए, ये हम भी मानते हैं कि अश्लील का एक दौर था, लोगों ने गाया है, लेकिन आज अगर मौका मिल रहा है सबको सुधारने का, सारे गायक अगर अपने आप को सुधार रहे हैं कि नहीं भाई मुझे अब नया गाना गाना है, अश्लील गाने नहीं गाना है, तो उसे सुधारने का मौका देना चाहिए और अश्लील का विरोध करना चाहिए। नहीं कि अगर किसी ने गा दिया तो उसको लाठी लेके पड़ जाओ, मारने लगो, जिस दिन आपने प्यार दिया तो उसको चांद पे पहुंचा उसी गाने को सुनकर। आज एक खेसारी भाई की यह गाना आया है, उस गाने का बोल है कि ठीक बा, आप लोगों ने सुना होगा, मतलब उस गाने का कोई मीनिंग नहीं है, मेरे नज़रों में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आज वो गाना कितना बड़ा हिट है, उसको हिट किसने किया? अरुण सिंह तो नहीं किए हैं, खेसारी लाल तो नहीं किया, खेसारी तो गा के गाना छोड़ दिया, कंपनी तो नहीं की, पब्लिक ही किया है ना। तो उसमें सबसे बड़ा तकलीफ है कि अपने श्रोता, हमारे दर्शकों की कमी है कि जो गंदे गानों को एक्सेप्ट क्यों करती है, गंदे लोगों को एक्सेप्ट क्यों करती है, गंदे लोगों का मंच क्यों करवाती है। सपोज अगर खेसारी जी गलत गाना गा रहे हैं तो आप उनको क्यों मंच पे बुला रहे हैं, आप उनको क्यों शो दे रहे हैं, आप बहिष्कार करिए, बुलाओ के घर पे एक दामाद की तरह और गलियाओगे आप चोर की तरह, तो ये गलत बात है ना। आप रहिए तो एक पानी पर रहिए। मैं भी मानता हूँ कि हाँ खेसारी जी गलत, सबने गाया है, अश्लीलता जब एक दौर चला था तो सब लोगों ने डबल मीनिंग गाने गाए थे, लेकिन आज सारे गायक का रुख बदल चुका है, सारे गायक अपने आप को बदल रहे हैं, तो उसको मौका दीजिए बदलने का। अगर घर का लड़का कोई अगर गलत कर दे तो क्या आप जान मारेंगे? एक मौका दीजिए, मौका दीजिए सुधरने का, अगर नहीं सुधरता है तो फिर एक्शन लीजिए। संतोष आप अश्लीलता के लिए माफी मांगना चाहते हो ऑडियंस से कि जो हमने पुराने गाने गाए, अब मैं सुधर गया हूँ, मेरा कायाकल्प हो गया, नहीं गाऊंगा? सबसे पहले मैं अश्लीलता में गाया नहीं हूँ, इन्होंने कभी गाया ही नहीं अश्लील गाना, कभी गाया नहीं, डंके की चोट पे गाया हूँ, और चाहे तो जगह पे जाता हो या जो भी गाना हो मैं सोच समझ करके गाया हूँ, क्योंकि मैं तो बोला पहले कि सिर्फ शुगर खाएंगे तो फिर डायबिटीज हो जाएगी, मतलब अश्लीलता भी जरूरी है। अश्लीलता कहने का मतलब मैं अश्लीलता को समझ नहीं पाया हूँ कि ऑडियंस किस तरीके से कहते हैं और जो हमलावर हैं वो किस तरीके से अश्लीलता को मानते हैं, क्योंकि अगर ऑडियंस अश्लीलता, परिभाषा क्या है? हाँ, परिभाषा क्या है, मैं कहता हूँ यदि अश्लील है, ठीक है, मैं इस पर दो शब्द में कहना चाहूँगा, यदि अश्लीलता जहाँ तक बात है तो पहले क्या थी कि जैसे रजिस्टर्ड कंपनी होती थी, पहले ये यूट्यूब का ज़माना उतना नहीं था, तो उस समय क्या था कि आप जब किसी भी गाने को जब मार्केट में लाते थे तो उसके लिए आपको कंपनी से होकर के गुजरना पड़ता। यूट्यूब जो है ना 2006 या 2007 में आया था, उसके पहले ऑडियो कैसेट चलता था, जब हम लोग छोटे थे
मुझे याद है कि जब मैं 7 साल का था तो भरत शर्मा का हिट गाना हुआ था कि सनीचरे से मुहा फुलौले बड़ी धनिया। उस टाइम से मैं गायकी का दीवाना हुआ, आरा जिला का रहने वाला था और गायकों के प्रति हमेशा मेरा रुझान रहा है। असली कुछ लोग अभी लिख रहे हैं फेसबुक पर, फ्री का फीस, बिना फीस का वकील बन गए हैं लोग। अपने ही लोग बोलते हैं कि असली असील करके अपने भाषा को लोग बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ने डबल मीनिंग गाया है तो उसको आप एक्सेप्ट मत करिए, आप उसका बहिष्कार करिए। भले कोई भी गायक हो, गायक के पास से स्टार के पास बैठेंगे तो चमचागिरी करेंगे, भैया भैया करेंगे, दामाद की तरह पुराम में बुलाएंगे। और आज के दौर ऐसा हो गया किसी भी कलाकार पर पत्थर चला दो, किसी भी अरे एक बात बोल रहा हूँ, खेसारी जी हो या पवन जी, उसके ऊपर पत्थर मार के क्या मिलने वाला है? उसको तो जो बनना था बन गया, वो अजूबा है सब। 1 करोड़ में किसी की माँ ने पैदा किया होगा तो पवन खेसारी, दिनेश और भरत शर्मा, ब्यास और गोपाल राय बनता होगा। तो वो जो बनना था उनको बन गया, आपको जो बनना है वो आप बनिए ना, किसी को लिख देने से क्या बनेंगे आप? कहने का मतलब ये है कि अगर घर का लड़का अगर कुछ गलत कर दिया है तो आप उसे मौका दीजिए। सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टरों से और सारे राइटरों से भोजपुरिया काका सारे चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता है कि जो भी नया गायक आ रहा है उसका गाने ना चुरा के गाएं, उसकी म्यूजिक ना चुरा के बनाया जाए और ना ही उसके लिरिक्स लिखा जाए। आज मुंबई में बड़े बड़े तोप लोग हैं जो बोलते हैं कि मैंने गाना लिखा, जबकि मुझसे अगर पूछा जाए तो 100 में से 90 गाने का इतिहास मैं बताऊंगा कि ये गाना पिछले किसने गाया था, कितने साल पहले किसने गाया था। आज भले ये तोप लोग बन रहे हैं कि ये मेरा हिट है, तो प्लीज़ जो भी स्टार बन चुके हैं या जिसको स्टार बनना है, आप अपने बल पे बन गए हैं, बने हैं, मेहनत से बने हैं, तो उसको बरकरार रखें। किसी नए गायकों का मौका दीजिए, चुराइए मत, उसको दबाइए मत और छीनिए मत उसके मौके। चला।